कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन अब पता चला कि कानून अंधा तो होता ही है, उसके पास दिल भी नहीं होता। निर्भया कांड की तरह ही इस घिनौने कांड से लोगों का सिर शर्म से झुक गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरोपियों को बरी कर देने से लोगों का कानून पर से विश्वास उठ गया है और भारतीय न्याय व्यवस्था की पोल भी खुल गई है। इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है और लोग अपना आक्रोश आंदोलन से एवं अन्य माध्यमों से जाहिर भी कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त लोगों में जमकर आक्रोश है, जो कि जायज है। अब आप सोच रहे होंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए चलिए आपको बता देते हैं। साल 2012 में निर्भया कांड से कुछ ही महीने पहले फरवरी में उसी दिल्ली में एक और बेटी किरण नेगी के साथ निर्भया कांड की तरह ही जघन्य बलात्कार हुआ था। किरण नेगी गुड़गांव में नौकरी करती थी। एक शाम वह नौकरी के बाद जब अपनी सहेलियों के साथ दिल्ली स्थित अपने घर लौट रही थी, उसी दौरान रास्ते से ही कुछ दरिंदों ने लाल रंग की टाटा इंडिका कार में जबरन खींच कर बिठा लिया था। बाद में उसकी लाश हरियाणा के रेवाड़ी में छत विक्षत अवस्था में खेत में पड़ी मिली थी। इसको लेकर अब सामाजिक कार्यकर्ता और बलात्कार पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ने वाली योगिता भ्याना, जो किरण नेगी मामले में भी पीड़िता के माता पिता के साथ खड़ी दिखाई देती हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस केस से जुड़ी और कैसे किरण के शरीर के साथ दरिंदगी की गई थी, इसको साझा किया है। देखिए क्या कहा है योगिता भ्याना ने। अभी भी जो चुप बैठे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। छावला गैंगरेप केस जो आप सभी ने सुना होगा, इतनी हैवानियत हुई उस केस में, निर्भया जैसी हैवानियत हुई, और उसके बाद इन दरिंदों को 7 नवंबर को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई दे दी। 24 घंटे के अंदर अंदर वो दरिंदे दिल्ली में घूम रहे हैं, आप और हमारे बीच में घूम रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था, क्यों हमें आक्रोश होना चाहिए इस केस में, निर्भया जैसा ही आक्रोश क्यों होना चाहिए। 9 फरवरी 2012 को ये बच्ची गुड़गांव में नौकरी करके अपनी पहली सैलरी लेकर घर लौट रही थी। द्वारका में जो थोड़ा सा आइसोलेटेड पैच है, वहां पर इन दरिंदों ने सोच रखा था किसी को अपनी हवस का शिकार बनाना है, और उस दिन इस बच्ची को उनके दोस्तों के साथ उन्होंने गाड़ी में डालने की कोशिश की। उनकी दोस्त तो भाग गई, बट ये बच्ची अनामिका उन दरिंदों के हाथ लग गई। उन्होंने इतनी बर्बरता से बलात्कार किया कि डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया वो भी फेंट हो गया। वो बर्बरता क्या थी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने गाड़ी के पाने से उसका सिर फोड़ा, जगह जगह काटा, बियर की बॉटल्स को उसके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट किया, और उस एसिड जो गाड़ी का एसिड होता है वो उसकी आंखों में डाला और उसकी चेस्ट काट दी। आप देखिए इतनी बर्बरता की उस बच्ची के साथ, और वो तड़पती रही इतने दिन खेतों में। और 3 दिन के बाद जब वो शव मिला, वो भी इन दरिंदों को जब पुलिस ने पकड़ लिया उनकी दोस्तों की गवाही पर कि इस गाड़ी में लेके गया था, और पुलिस ने जब उनकी तहकीकात की और गाड़ी तक पहुंचे तो मालिक तक पहुंचे तो इन दरिंदों तक पहुंचे, इन दरिंदों ने खुद बताया कि हमने उसको कैसे मारा, अपनी रिकवरी खुद कराई और आइडेंटिफाई करा कि बॉडी हमने यहाँ पर फेंकी है। उसके बावजूद इतने साल बाद, 11 साल बाद उनको रिहाई दे दी गई। किस बिना पर? इन्वेस्टिगेशन वीक थी। आप मानिए क्या ये चुप रहने की बात है? क्या हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? ये दरिंदे आज आप और हमारे बीच में घूम रहे हैं, कल को हमारी घर की बहु बेटियों का शिकार बनाएंगे, क्या ये रहने लायक है समाज? क्या ये देश रहने लायक है? महिलाओं की सम्मान की बात है, इस बेटी की इज्जत और सम्मान की बात है, हमें इस अनामिका को न्याय दिलाने में हम सबको आवाज उठानी चाहिए। अगर आपका भी खून खौल रहा है और होना चाहिए। इसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट में आरोपी पक्ष की तरफ से अपील की गई। यहाँ कुछ दिन तक मामला लंबित रहा, फिर सुनवाई हुई, बहसें चली, लेकिन अंत में बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुनाया जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जी हाँ, अब ये बात आपको हजम हो या ना हो, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने नीचे की सभी स्तरों के अदालतों के फैसले को गलत साबित करते हुए आरोपियों को निर्दोष पाया है। अब यह एक ऐसा फैसला था कि जिसने न सिर्फ किरण नेगी के माता पिता बल्कि हर किसी को स्तंभ कर दिया है। तो आपकी क्या राय है इस फैसले पर, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।